पीपी और नून लीग के बारे में कौन सी एजेंसियां और लोग ब्रीफिंग देते थे? इमरान खान नाम बताएं। मरियम औरंगजेब। तफसीलात के मुताबिक वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगजेब ने कहा कि इमरान खान के मुताबिक पीपी और नून लीग के बारे में एजेंसियों से रिपोर्टें मिलती थीं। कौन सी एजेंसियां और लोग ब्रीफिंग देते थे? नाम बताएं। इमरान खान दूसरों को चोर और अपने आप को फरिश्ता साबित करते रहे। सवाल पूछे तो इमरान खान जवाब नहीं देते। अगर 3 दफा का मुंतखब वजीर आजम अदालत में पेश हो सकता है तो इमरान खान क्यों नहीं? इमरान खान साहब ड्रामे, तमाशे, नौटंकी, झूठ बोलना बंद करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा कि इमरान खान दूसरों को चोर और अपने आप को फरिश्ता साबित करते रहे। इमरान खान ने 22 साल तक इस्लामी टच के जरिए सियासत करने की कोशिश की। इमरान खान की हर बात में मुनाफ़ा, झूठ, ड्रामेबाजी, तमाशा करने की आदत है। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने सेमिनार में कहा कि उन्हें एजेंसियां ब्रीफिंग देती थीं। इमरान खान को कौन सी एजेंसियां और लोग ब्रीफिंग देते थे? मरियम औरंगजेब ने कहा कि इमरान खान ने कहा कि मुझे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में भी एजेंसियों ने गारंटी दी थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में इमरान खान को कौन सी एजेंसियों ने गारंटी दी थी और क्या कहा था? अब वो गारंटी क्यों ले रहे थे? उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कहा कि उन्हें पीपी और मुस्लिम लीग नून के बारे में एजेंसियों से रिपोर्टें मिलती थीं। क्या वो रिपोर्टें इमरान खान खुद मंगवाते थे? आपको कौन सी एजेंसियां रिपोर्टें देती थीं? उनका नाम बताएं। मरियम औरंगजेब ने कहा कि इमरान खान साहब ड्रामे, तमाशे, नौटंकी, झूठ बोलना बंद करें। वफाकी वजीर ने कहा कि अगर आप में हिम्मत, हौसला और जुर्रत है तो बताएं कि कौन सी एजेंसी का कौन सा बंदा आपको रिपोर्टें देता था, कौन पीपी और नून लीग के बारे में रिपोर्ट्स भेजता और ब्रीफिंग देता था। उन्होंने कहा कि किसने आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में गारंटी दी थी? क्या आपको फॉरेन एजेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फॉरेन एडिड पार्टी डिक्लेयर ना करने की गारंटी दी थी? मरियम औरंगजेब ने कहा कि इमरान खान से सवाल पूछे तो वो जवाब नहीं देते। उन्हें कानून के कटहरे में खड़ा करें तो वो कहते हैं कि मैं जवाब नहीं दूंगा, मैं रिकॉर्ड नहीं दूंगा।